उत्तर प्रदेश के बरहाज विधानसभा से विधायक सुरेश तिवारी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। मुसलमानों के खिलाफ दिए गए बयान को लेकर बीजेपी ने विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। पार्टी के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि शीर्ष नेतृत्व ने तिवारी के बयान को बेहद गैर जिम्मेदाराना बताया और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी के अधिकारियों को भी इस बात के लिए खरी खोटी सुनाई कि उन्होंने तिवारी पर तुरंत कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। नड्डा ने प्रदेश बीजेपी प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह से तिवारी के खिलाफ एक्शन लेने को कहा है। सुरेश तिवारी को पार्टी की ओर से जारी शो कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए एक सप्ताह का वक्त दिया गया है। बता दें कि देवरिया जिले के बरहाज विधायक का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वह मुस्लिमों से सब्जी नहीं खरीदने का फरमान देते हुए दिख रहे हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन, कोई भी मीना के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। कोरोना के इस संकट में कुछ लोगों को लगता है कि एक विशेष वर्ग के कारण ये महामारी देश में फैल रही है। कई ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिनसे मुस्लिमों के प्रति अविश्वास बढ़ रहा है। हालांकि यह वीडियो सच है इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों से अपील की थी कि कोरोना संकट में कोई किसी से भेदभाव ना करे। उन्होंने कहा कि इस महामारी के खिलाफ पूरे देश को एकजुट होकर लड़ना होगा। इस लड़ाई को विभिन्न समूहों के बीच भाईचारा और सामंजस्य ही मजबूती प्रदान कर सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज 24 का YouTube चैनल न्यूज 24। निष्पक्ष खबरें।